कैप्टन अहमद मोबीन शहीद की बात करें तो उनकी वालदा ने हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू की है, आपको वो गुफ्तगू सुनाते हैं। जी बिल्कुल, सानिहा फैसल चौक आज जो है वो दूसरी बरसी के मौके पर आज भी ऐसे समा है कि जैसे ये वाकया आज ही रोनमा हुआ है। अगर ट्रैफिक वार्डन्स की बात की जाए, अगर कैप्टन अहमद मोबीन के अंडर काम करने वाले लोगों की बात की जाए, और आज भी उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं ये सारे मंजर को बयान करते हुए, उनकी आदत, उनके काम करने का तरीकाकार। और हमारी कई दफ़ा ट्रैफिक वार्डन्स के साथ जब बात हुई, उनके अहलकारों के साथ बात हुई, तो उन्होंने हमेशा हमें यही जवाब दिया कि कैप्टन अहमद मुबीन ना तो हमारे DIG हैं, ना हमारे CTO हैं, बल्कि हमें एक बाप की तरह सर्व कर रहे हैं। कैप्टन अहमद मुबीन शहीद की वालिदा आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। माँ जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, कुछ यादें उनकी, कुछ बातें उनकी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं हम। वो किस्मत का धनी था, वो किस्मत का धनी था, ऐसा धनी था कि मुझे नहीं समझ आता मैं आपको कौन कौन सी उसकी बात बताऊं। जिस काम में हाथ डालता था अल्लाह ताला उसका पूरी करता था, अल्लाह ताला ताला ने उसको पता नहीं किस मिट्टी से बनाया था, वो मिट्टी दोबारा नहीं बन सकती, कोई बना सकती। उसकी बातें, उसकी बातें, उसकी चाहतें, उसकी उसकी मोहब्बतें, उसकी खलूस, उसकी चाह, उसकी ईमानदारी, उसकी दोस्तों के साथ, खानदान के साथ, रिश्तों के तकद्दस का ख्याल रखने वाला वो बाप भी था, बेटा भी था, भाई भी था।